गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में राजा राव इंद्रजीत सिंह की जीत पक्की। आज भाजपा लोकसभा गुरुग्राम प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव पहुंची खंड फरुखनगर के गांव फाजिलपुर बादली। गांव फाजिलपुर बादली में आरती राव के पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ और पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया गया। आरती राव से मिलने का उत्साह गांव में देखने को ही बनता था। आपको बता देगी, आरती राव के पहुंचने पर गांव के हजारों की तादाद में लोगों की संख्या वहां पर पहुंची। गांव के सरपंच दिनेश कुमार के साथ मौजूद सभी पंचों ने, युवा साथियों ने और बुजुर्गों ने, औरतों ने ऐलान किया कि राजा राव इंद्रजीत सिंह की लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने कहा कि गांव फाजिलपुर बादली सदैव राव परिवार के साथ रहा है और उनका आभार प्रकट करते हुए यह भी कहा कि राव परिवार ने भी गांव फाजिलपुर की प्रत्येक समस्याओं में उनका साथ देने के लिए सहयोग किया ताकि गांव में सुधार लाया जा सके और गांव में शिक्षा का स्तर, विकास का स्तर, सहयोग का स्तर और आपसी भाईचारा बना रहे। वहीं आरती राव के साथ पहुंची पूर्व विधायक बिमला चौधरी व जिला चेयरमैन दीपाली, पार्षद रितु यादव, जयंती चौधरी, पूर्व जिला उप चेयरमैन संजीव यादव और काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति। पूर्व विधायक बिमला चौधरी ने तो लोगों से कहा कि मैं आपसे अपील करती हूँ, आप 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इस छोटे से गांव में किए गए इस भव्य सम्मेलन में आए सभी वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव ने कहा कि एक अकेला मात्र ऐसा नेता हरियाणा के अंदर जिसके परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं, वह राजा राव इंद्रजीत सिंह। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण हरियाणा के लिए सदैव राव परिवार ढाल बनके आगे खड़ा रहा। वोटों की अपील करने से पहले ही गांव फाजिलपुर बादली के लोगों ने यह कह दिया कि पूरे गांव का समर्थन राव साहब को रहेगा और लाखों वोटों से जीत होगी। इलेक्शनों का भारत सरकार बनाने, और जब हम, मैं कहती हर हर मीटिंग में मैंने यही कहा है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए तो दो तीन चार मांगे होती हैं हमारे पास कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि एक ईमानदार आदमी होना चाहिए। दूसरी बात बोलते हैं कि अपनी बात रखने वाला आदमी होना चाहिए। तीसरी बार बोलते हैं कि अपना काम भी होना चाहिए। अगर वो बोल दे कि काम होएगा तो होना चाहिए। और 45 साल की उनकी राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह के दामन में आज के दिन बस एक ऐसा ही, वो ही ऐसे एक नेता हैं जिनका, जिनके दामन में एक भी दाग ना लगा। कोई तो बात होगी ना राव इंद्रजीत सिंह में कि 45 साल हो गए और आप उनको चुनते रहते हैं। और चुनते क्यों रहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, नड्डा जी ने खुद कहा कि इंद्रजीत जब डट जाए तो उसका पीछा करता रहता है जब तक काम सिरे ना चले। ये सीधी बात है इंद्रजीत सिंह जी। जब एम की बात होती है तो 2019 में चर्चा हुई थी कि इंद्रजीत एम्स बोल रहा है, ला रहा है, मगर कुछ हुआ नहीं। तीन चार साल से लोग पड़े थे पीछे कि खोखले खाप दिखा रहा है इंद्रजीत, कुछ नहीं होने वाला, विरोधी बोल रहे थे। फिर लोग भी बोलने लगे कोई कुछ तो बात होगी। 2 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी आके शिलान्यास करके गए हैं एम्स का, साथ साथ ये भी वादा करके गए हैं कि एम्स खुलेगा और वो ही आएंगे जब एम्स खुलेगा उद्घाटन करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जब राव साहब के बारे में बात की तो कहा कि ये बंदा बात कम करता है, काम ज्यादा करता है। अब सब बोल रहे हैं कि इलेक्शन
25 तारीख को है, गर्मी होगी। सामने से कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं भेजा, मजा नहीं आ रहा चुनाव में। इंद्रजीत जीत जाएगा, कोई बोले इतने से इतने लाख से, कोई बोले उतने लाख से। इतने उतने लाख से तभी जीतेंगे जब आप सबका कीमती वोट, हर कीमती वोट 25 तारीख को कमल का बटन दबाओगे, तभी जीतेंगे। देखो जीत तो 50,000 से भी होती है, 25,000 से भी होती है, एक से भी होती है। तो अगर इंद्रजीत सिंह जी जीतते हैं छठी बार, तो ये बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए कि छठी बार कोई हरियाणा से एमपी बनने जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मगर जितना मार्जिन जीत का बड़ा होगा, वो आपकी जीत होगी, उनकी नहीं, क्योंकि चर्चा आपकी होगी कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने पूरे हृदय के साथ अपने नेता का चयन किया है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में, पूरे तादाद में, ये ना सोचे कि देखो सामने कोई नहीं है, कोई आता है कल आ जाएगा, इंद्रजीत जीत रहा है जीत जाएगा। आपका वोट कीमती है, 25 तारीख को कमल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार एक बार फिर लाएं और इंद्रजीत जी को सबसे बड़ी पंचायत में फिर पहुंचाएं। और ये राष्ट्रमाता की।